हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक टेंपल ब्लॉक। जैसे ही हम लोग निकल पड़े, टाइम लगभग 5:30 था और ये जगह पहुंचने तक हमको 10 मिनट लगा। तो ये जगह बहुत ही ड्राई लगता था, लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस इधर से हमको मिला वो माइंड ब्लोइंग था। आगे वीडियो में आप लोग भी महसूस करवाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी एक छोटी सी पहाड़ के ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं। पहाड़ बहुत ही स्टीप नहीं था और नॉर्मल था, लेकिन कॉन्टूर बहुत था और आसपास कोई लोग भी नहीं थे। थोड़ा बहुत डर भी लगता था कि ये मंदिर जाए कि नहीं, लेकिन अफसोस नहीं था मंदिर में दर्शन होने के बाद। आप लोग भी हमारे साथ देखिए कि हमारा एक्सपीरियंस ये मंदिर में कैसे था करके। ये एक विष्णु मंदिर है और यही है आप जो देख सकते हो। बहुत ही खामोश जगह है और टिपिकली विलेज के ऊपर देखो, आप देख सकते हो इधर कि विलेज के ऊपर ये टेंपल बनाया हुआ है। नीचे जो विलेजर्स है बहुत ही शांत लोग है, कोई आस बाहर नहीं आए थे, पूरा रोड खाली ही था। हम लोग जैसे ही पहुंचे थे इधर, सिर्फ हम और पुजारी ही रहे होंगे इधर तो। लेकिन ये जगह इस तरफ से पहुंचने के बाद ही हम लोग को पता चला कि इधर और एक एंट्रेंस भी है जो विलेजेस इसमें स्टेप्स में चढ़ के ऊपर आके विष्णु को दर्शन कर सकते हैं करके। टेंपल जो बना है उसके नीचे जो स्टेप्स है बहुत ही लंबा लंबा स्टेप्स है, ताकि आप चल सकते हो और दो तीन सीढ़ी चढ़ सकते हो, फिर चलना, फिर दो तीन सीढ़ी चढ़ना, ऐसा ही था। बहुत ही नीट एंड क्लीन था जो पाथवे था। तो इधर से हमको कुछ ऐसा नज़र आया था, बहुत ही लंबा है जो विलेज के अंदर तक पहुंचता है। हम लोग बाईपास करके हिल पे चढ़ के बस मंदिर के अंदर आ गए। अभी लगभग 5:40 था। फिर जैसे ही मंदिर के अंदर घुसे, इमीडिएटली सनसेट हो गया। फिर हमको जो विजुअल था वो कुछ ऐसे बन गया है, पूरा मूडी। और इधर जो आप देख सकते हो कि बाहर की सिटीज़ जो है वो कितना झलक रहा है लाइट के साथ। बहुत ही ऊपर है हम लोग वो सिटी से, बहुत ही बाहर। और सबसे पहले हमको नज़र आते हैं गणेश भगवान इधर। ये मंदिर का कुछ ऐसा स्पेशलिटी है कि जिधर जिधर मंदिर है सिर्फ उधर लाइटिंग है, बाकी जगह पूरा आपको एक बिना लाइट की एक माइल्ड लाइटिंग के साथ ही नज़र आता है। तो एक अच्छे से ब्राइट रेड सनसेट भी था। और हम जैसे ही आए थे, ये मेन टेंपल है, विष्णु टेंपल है जिसके अंदर मेन गॉड विष्णु है, लेकिन मैं अंदर नहीं उठाने के लिए अलाउड है, तो बस बाहर की जगह हम दिखा सकते हैं। इधर से जैसे ही स्ट्रेट जाते हैं तो हम लोग को इधर एक हॉल के जैसा नज़र आता है, इधर लोग मेडिटेशन भी करते हैं। देखो चांद भी निकल आ गया था, अच्छा सनसेट भी था। और ये मंदिर बहुत ही खामोश था, लगभग कोई भी नहीं थे। ये एक सिद्धर जी का जो फुट है उसको रख के इधर पूजा करते हैं। और इधर बहुत ही बड़ा पूजा होगा, इसलिए ऊपर एस्बेस्टस लगाए हैं ताकि नीचे भक्त लोग हैं जो बैठ सके और आराम से पूजा देख सके। इधर भी एक भगवान मौजूद है। बहुत ही शांत जगह है, माइंड के लिए भी बहुत पीस लगता है और इधर प्रे करने के लिए भी बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट है। मतलब सराउंडेड बाय ट्रीज कम्प्लीटली, कंपाउंड की चारों तरफ हमको ट्रीज ही नज़र आया था। फिर अंदर इतना नीट एंड क्लीन मेंटेन किए थे, पूरा पेंटेड था। शायद हम सुबह आ जाते तो इसका कलरफुल टेक्सचर आपको पता हो जाता है, लेकिन कभी नाइट मोड पे ये टेंपल कैसा रखता करके हमको देखने को मन था, तो हम नाइट पे आए। तो बहुत ही कूल है, बहुत ही ठंडा हवा दे रहा है और उसके साथ दर्शन भी बहुत आसान से हुआ। और ये है हनुमान जी। इधर से हमको जैसे ही, एक्चुअली ये मंदिर को मेन एंट्रेंस गणेश भगवान से लेफ्ट के दौरान हम क्लॉकवाइज जाते हैं और घूम के आके फिर से विष्णु भगवान को इधर प्रे करते हैं। इधर से जैसे ही ये जो बड़ा एंट्रेंस है इससे बाहर निकलते हैं तो हमको नवग्रह का जो स्थल है वो नज़र आता है। तो उधर हम लोग गए, तीन राउंड मारे थे, उसके बाद जो एंट्रेंस दिख रहा है उससे बाहर निकल गए थे। इधर से आपको लंबा सीढ़ी नीचे है
वो एक सीधा हनुमान की मंदिर तक पहुंचता है। तो नीचे जाते हैं और देखते हैं हनुमान टेंपल उधर बहुत ही बड़ा बना है और अंदर स्वामी कैसे नज़र आते हैं करके देखते हैं। इधर से सिटी कुछ ऐसे हमको नज़र आता था, सिर्फ लाइट्स और ठंडी हवा बस उतना। और टेंपल को मानना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन मेंटेन किए हैं, ग्रीनरी मेंटेन किए हैं और ऊपर हम छोटा सा लेक भी था, मतलब जो लोटस फ्लावर होने वाला छोटा सा पॉन्ड, लेकिन हम लोग कवर नहीं कर पाए, पर बहुत अच्छा था। ये विष्णु मंदिर हो गया। तो अभी इस तरफ बढ़ते हैं हनुमान टेंपल, ये भी नया पेंटेड है, पूरा कलरफुल है। तो इधर उस वो प्रघर को राउंड करते हैं ना, तीन चार बार ऐसे राउंड करना पड़ता है, तो वो राउंड करने के लिए भी वो अलग सा फुटपाथ वे बनाए हैं ताकि जो डिवोटीज आते हैं उनको कुछ दिक्कत ना हो करके। तो ये है हनुमान जी हम जो पीछे से देखे थे। और इतना अंधेरा हो गया था कि उधर पूरा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और क्या क्या, पूरा सिटी लाइफ है आप जो देख सकते हो, जो लाइटिंग के साथ है। और इधर जस्ट ऑपोजिट है कि बस मंदिर है और बहुत नीचे एक विलेज है जिधर भी लोग बहुत ही शांत है। तो लाइफ में कुछ ऐसा टाइम महसूस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं, सारा वीक टेंशन पे रहते हैं, तो वीकेंड पे ये खामोश जगह एंजॉय करना बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। तो कोई भी अगर वीकेंड में टेंपल स्पेंड करना चाहते हो तो ऐसा एक हिल टेंपल प्रेफर करो जो विलेज से भी आउटर है और कुछ पोल्यूशन नहीं है, आपको पूरा ग्रीनरी नज़र आता है और टाइम स्पेंड करने के लिए भी अच्छा है, दर्शन भी हो जाएगा और मन को जो शांति है वो भी मिल जाएगा। तो इधर से हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।